हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू वीडियो। जैसा आप लोगों को पता है, हाँ मैं थोड़ा सा गेमिंग्स की वीडियो भी डाल देता हूँ, थोड़ी डोमिनो की वीडियो भी डाल देता हूँ, थोड़ा एडवेंचर सेटअप्स की भी वीडियो डाल देता हूँ। पर आज मैं लाया हूँ एक बहुत ही बढ़िया गेम, अमंग अस। वैसे तो ये गेम मैं बहुत कम खेलता हूँ, ज़्यादातर मेरा इंटरेस्ट आप सबको एडवेंचर एक्टिविटीज़, और ज़्यादातर मेरा इंटरेस्ट आप लोगों को डोमिनोज दिखाने में रहता है। पर हाँ, आज मैं आपको एक नई अमंग अस गेम के बारे में थोड़ी ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आप थोड़ा अच्छा गेम प्ले कर सकते हैं। ये तो अभी मैंने गेम कुछ टाइम पहले डाउनलोड की थी, ये गेम मुझे थोड़ी बहुत पसंद भी आई। इसमें अगर आपको समझ नहीं आता है तो मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल दे सकता हूँ इस वीडियो में, क्या है इस गेम में क्या है। जैसे आपने कभी कोई गेम खेला होगा डिटेक्टिव वाला, वैसा ही है, डिटेक्टिव एंड किलर एंड पर्सन वन पर्सन टू। इसमें क्या है, इसमें 10 लोगों का रूम होता है, उसमें एक इम्पोस्टर होता है। वो इम्पोस्टर क्या करता है, धीरे धीरे करके उन 10 में से 9 लोगों को किल करता है। किल करने के बाद उन 10 में से 9 10 में से जो 9 लोग होते हैं, उनमें से जो जो किल होते हैं वो आत्मा बन जाते हैं। आत्मा बन के उनके साइड में टास्क लिखे हुए आते हैं, उनको वो टास्क पूरे करने उनको वो टास्क पूरे करने होते हैं। पर अगर वो टास्क पूरा नहीं कर पाते तो कोई भी इशू नहीं है, पर अगर वो टास्क पूरा कर देते हैं तो हाँ, उनको उनके गेम प्ले में बहुत हेल्प मिलती है। जैसे ये देखिए, मैंने अब ये गेम स्टार्ट किया है। अब इस गेम में मैं आपको पूरी अपनी बेस्ट से बेस्ट ट्रिक दिखाऊंगा, जिसमें आप अमंग अस गेम को बहुत अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये हमारे रूम में पूरे 10 लोग हो चुके हैं, तो चलो गेम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर कर देना। आपको पता है हमारे अभी बहुत ही ज़्यादा कम सब्सक्राइबर्स हैं, और हम तब भी इतनी वीडियोज़ डाल चुके हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो के पूरे मज़े लो। थैंक यू। स्टार्ट द गेम। अरे भाई स्टार्ट कर, कल स्टार्ट करेगा क्या? अरे भाई, ये हमारी गेम हो गई है स्टार्ट, और हम क्रियोमेट हैं, इम्पोस्टर नहीं है। हाँ, अगर हम क्रियोमेट हैं तो हमें सबसे पहले मैं जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ उसको फॉलो किया करो। ये जहाँ पे मैं गया हूँ Q2 में, हमें हमेशा पहले O2 में जाना चाहिए, उसके बाद रिएक्टर में जाना चाहिए, क्योंकि रिएक्टर सबसे लास्ट एरिया है। ये देखिए, रिएक्टर जो सबसे लास्ट एरिया है, हमें वहाँ जाना चाहिए। वहाँ जाने के बाद जैसे सब लोग, ये ना पता है, ये नूब्स वाले काम होते हैं, नूब्स, कि अभी गेम स्टार्ट हुआ है नहीं, आपने मीट बुला लिया कि इम्पोस्टर को ढूंढो। अब ये बहुत ही ज़्यादा घटिया आइडिया होता है कि आपने मीट बुला ली इम्पोस्टर को ढूंढने के लिए, जबकि अभी तक बस एक ही किल हुआ है। 2-3 किल होते हैं, हमें पता चलता कि हाँ कौन इम्पोस्टर है, कैसे है, क्यों है, कितनी किल्स कर चुका है, हम हारते हैं जीतते हैं। इसके हिसाब से हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अब जैसे आप देखते हैं, हम गूगल गेम स्टार्ट करते हैं। हम अब रिएक्टर में जाएंगे, रिएक्टर में जाके अपने सारे टास्क कंप्लीट करेंगे, और मैं आपको बता देता हूँ कि टास्क आते कहाँ हैं। तो अभी ये हमारा मीट खत्म हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, हमारा गेम हो चुका है स्टार्ट, अब हम जाएंगे रिएक्टर में। रिएक्टर में क्यों जाएंगे, देखिए हमारे टास्क आ रहे हैं ना, एडमिन, फिक्स वायरिंग, अपर इंजन, एलिंग इंजन, आउटपुट। जैसे आपको मैंने बताया था ना, मैप में जाके आप कहीं भी अपने जितने भी टास्क हैं वो सब कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको पूरा मिला दूंगा और ये मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। हमारे जैसे जैसे टास्क बढ़ते कंप्लीट होते जाते हैं, हमारे जीतने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं, और हम इम्पोस्टर से थोड़ा बच के रह सकते हैं। हमें इम्पोस्टर से बहुत बच के रहना चाहिए। अगर हम क्रूमेट हैं तो हमें कभी भी एक जगह नहीं रुकना चाहिए, हमें घूमते रहना चाहिए। देखिए, और इसमें मैं देखिए, क्रूमेट का तो मैंने आपको सारी दे ही दी है, अब मैं आपको बताता हूँ इम्पोस्टर का। इम्पोस्टर, अगर आप इम्पोस्टर हो तो आपको सबसे पहले सबके साथ घुल मिलना चाहिए, घुलना मिलना चाहिए। आप सबके साथ घुल मिल गए, जैसे सबको जाके अपनी शक्ल दिखाई, मुंह दिखाई की तरह, हाँ सबको, जैसे ये सारे ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो सारे हैं, इनको पहले जाके अपनी शक्ल दिखाइए, इनको पता चल गया अब आप इम्पोस्टर नहीं है। फिर जब अभी आप मीट बुला लीजिए, मीट बुलाने के बाद आपने मीट बुला ली,
मीट बुलाने के बाद सबको लगा कि आप इम्पोस्टर नहीं है, तो कोई भी आप पे जो आपको वोट नहीं देगा कि आप इम्पोस्टर हैं, तो आप बचे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप धीरे धीरे, जब आपको लगे कि वहां वहां एक आदि ही होगा, तो आप वहां जाके अटैक मार दीजिए और दो तीन को किल कर दीजिए। दो तीन को किल करने के बाद, जैसे होता तो एक ही किला, उसके बाद 30 30 सेकंड का टाइमर होता है उसमें, तो हमेशा ये देखना चाहिए कि कहाँ पे एक है। अगर वहां पे एक प्लेयर खेल रहा है, तो आप उसको किल कर सकते हैं और वहां से भाग सकते हैं, ठीक है। तो ये देखने हैं दोस्तों, गेम आप ध्यान से देखिए। मैं तो अभी वैसे इसमें क्रूमेट हूँ, तो मैं अभी इतना ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहा हूँ। जब अगर मैं मेरी इम्पोस्टर निकलेगा और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, तो मैं आपको पक्का बताऊँगा कि यार आप अपनी और बढ़िया गेमिंग स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको और कोई गेम खेलना हो, तो आप ज़रूर मुझे उसका बताना। ठीक है, तो हम अपनी गेम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमारा एक स्टार्ट हो गया, और जिम्स पे हमने वोट किया और एक लिव ने वोट किया, पर ये इम्पोस्टर है ही नहीं, पर बेचारे ये भी फिर भी जिम्स बाहर हो जाएगा। कोई बात नहीं, जिम्स फर्स्ट नॉट द इम्पोस्टर, पर इस गेम में मुझे लग रहा है कि हम हार जाएंगे, क्योंकि हमारे इतने प्लेयर्स ने लीव कर दिया है। ये देखिए, अब हमें अपने टास्क के पीछे जाना चाहिए, जहाँ पे हमें वो एरो दिखा रहा है। अगर वो एरो हमें सेफ जगह दिखा रहा है कि वहाँ पे जल्दी से कोई आ नहीं पाएगा, तो हाँ, हमें वहीं पे रहना चाहिए और हमें अपना टास्क कंप्लीट कर देना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। वैसे वीडियो बनाने में बहुत हेल्प किया है, तो प्लीज़ हेल्प कर देना थोड़ी सी, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और यार दोस्तों, अभी मुझे इतनी एडिटिंग आती नहीं है, तो मैंने इसमें क्लास में थैंक यू, वेलकम वेलकम थोड़ा बहुत लिखा है, पर इतना भी मुझे नहीं आता है। तो प्लीज़ आपको अगर आता हो, या आप बहुत बड़े यूट्यूबर हों, तो प्लीज़ मुझे बता देना किसी यूट्यूबर का नाम, और मैं उसे एडिटिंग ज़रूर सीखूँगा। थैंक यू, प्लीज़ जल्दी बता दो। ओह शिट, इसमें लग रहा है अब हम हार जाएंगे। ओह नो यार, हम तो हार गए। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन में ज़रूर दबा देना, और शेयर जरूर करना, और एडिटिंग करना भी मुझे ज़रा किसी सिखा देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन में ज़रूर दबा देना, और शेयर